सलाम सभी भाइयों को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ये लाइव सिर्फ कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस पे है, या यूं कह दीजिए कि उस पर जो हिंदुत्व के ठेकेदारों के मुंह खुल रहे हैं उस पे है। हिंदुत्व के ठेकेदारों के जो मुंह खुले हैं उन पे है, जो जिनकी शक्ल गोबर जैसी है और वो बात करते हैं तो गंदगी निकलती है उनके मुंह से, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल है जिसका नाम है साध्वी प्राची। और उसी में सारे और भी हिंदुत्व के ठेकेदार जो हैं उसी में उनको भी मिला लीजिएगा, वो अलग नहीं हैं इस चीज़ से, वो भी उसी में शामिल हैं। ये ना सोचें वो कि वो अलग हैं, वो ये ना सोचें कि वो कहीं से इस मामले में अलग हैं। हम उनको भी बता रहे हैं तो वो भी इस बात को गौर से सुन लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो, इसलिए हम समझा देते हैं। समझ रहे हैं, ये आपका जो कोरोना और ये दुनिया भर की जो बीमारियां हैं इन सब से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सबसे बड़े इस दुनिया के सबसे बड़े वायरस हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है साहब? आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वायरस आप लोग खुद हैं जो एक धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। तो आप लोगों से बड़ा वायरस तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, तो आप लोग क्यों दूसरे के ऊपर बदनाम करते हैं साहब, क्यों दूसरों के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाते हैं? अभी एक गोबर जैसा मुंह खुला है साध्वी प्राची का, जो गंदगी है उसके जहन में उसने बाहर निकालने की कोशिश की है और कहा है कि सारी मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए, 5 वक्त जो नमाज होती है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे वायरस फैलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ साध्वी प्राची को और हिंदुत्व के ठेकेदारों को कि तुम लोगों का ये पुराना प्रोपेगेंडा है, तुम लोगों की जाहिलियत। देखो क्या है, तुम लोग गोबर पियो, गोबर खाओ और मूत पियो गोबर उस गाय का, और मैं तो कहता हूँ गाय का ही क्यों, गाय का छोड़ो, अपना पीना शुरू हो जाओ तुम, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई गाय पालोगे नहीं, कोई गरीब अगर गाय पाल रहा है तो उसके यहाँ पहुँच जाओगे मूत्र लेने, तो वो ना करते हुए तुम लोग अपना मूत पीना शुरू कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, कोरोना वायरस से भी बच जाओगे तुम लोग और थोड़ा सा प्रॉफिट भी रहेगा, पब्लिक में गंदगी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें तो वही हैं, कहीं भी खड़े हो जाओगे, है ना, तो पब्लिक में गंदगी ना जाए इसलिए अपना मूत पीना शुरू हो जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम ये ना बताओ कि 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों को रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये ना बताओ। उस साध्वी प्राची के मुंह से जो गोबर, जो गंदगी निकली है वो ये है कि 5 वक्त की नमाज जो होती है मस्जिदों में उनको बैन कर देना चाहिए, खास करके यूपी में बैन कर देना चाहिए योगी जी। अबे योगी क्या बैन करेगा, वो क्या बैन करेगा, टकला आतंकवादी, वो क्या बैन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता है, वो हाई कोर्ट की नहीं सुनता है, वो तेरी क्या सुनेगा, है? और ये बात अच्छे से तू कान खोल के सुन ले साध्वी प्राची और हिंदुत्व के ठेकेदारों, बहुत अच्छे से इस बात को सुन लो कि ये जो नमाज पे बैन लगा दो और ये कर दो वो कर दो जो लेकर के तुम लोग प्रोपेगेंडा आते हो ना, ये चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपनी घटिया और गंदी जबान से जब ये बातें निकालते हो तो सबसे पहले इनका काउंटर करने वाले वो हिंदू भाई रहते हैं जो समाज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग तो गिने चुने हो साहब, गिने चुने हो, गिन के बता दूंगा, उंगली पे गिन के बता दूंगा कितने नफरत करने वाले हो, घटिया पेटीएम चोर, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले। वालेकुम सलाम भाई, नमस्कार। समझ रहे हो, पेटीएम चोर, घटिया लोग, सिर्फ समाज को लूटने के लिए। मैं जानना चाहता हूं इस साध्वी प्राची से कि तूने अभी तक इस समाज को दिया क्या है, इस समाज को, चलो हिंदुत्व को क्या दिया है बता दो भाई, हिंदुत्व को क्या दिया है जरा बता दो। कितने हिंदुत्व के ठेकेदारों ने अब तक आ करके ग्लव्स बांटे हैं, मास्क बांटे हैं, एडवाइजरी जारी की है, बताओ ना मुझे, बताओ ना कुछ राय दिया है, एडवाइजरी जारी करने की तुम्हारी औकात नहीं है, राय दिया है कि भाई हमारे हिंदू भाई ऐसे ऐसे काम करें, ऐसे ऐसे बचें, भाई कितनों ने अब तक एक कोई डॉक्टर को हायर किया है और किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के उसकी जो है वहां पर मीटिंग कराई है कि साहब देखो ये चीजें आप लोगों को गौर करना है, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है ताकि बीमारी ना फैले, कितनों ने किया है?
कितने हिंदुत्व के ठेकेदारों ने अब तक 5 रुपए खर्च किए हैं इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवाम की, कोई है तो बताओ मुझे। नहीं साहब कोई नहीं है। मुसलमानों को पहले रोक लो, मतलब बड़ी चिंता रहती है मुसलमानों की, कहीं मुसलमानों को कोरोना ना हो जाए, बड़ी चिंता रहती है मुसलमानों की, हर बार सबको बड़ी चिंता में रहते हैं साहब। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आई सबसे पहले नमाज रोक दो, सबसे पहले मुसलमानों को कैद कर लो। क्यों भाई हमारी इतनी चिंता करने की क्या जरूरत पड़ गई साध्वी जी? आपकी शक्ल तो गोबर जैसी है, आपकी बातें गोबर जैसी हैं, सब कुछ। आप एक काम करें मोहतरमा, कि आप गौमूत्र पीना छोड़ करके खुद का मूत्र पीना शुरू हो जाइए, आप आपके थोड़ा सा दिमाग आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। आप लोग जो घटिया क्लास के लैब आपके हैं ना, जो घटिया क्लास के लैब आपने खुद बना रखे हैं पर्सनल, उसमें जाहिल गंवारों को बिठा करके उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके बाद कहते हैं साहब ये अच्छी चीज है और ये, अरे साइंटिस्टों द्वारा बताएगा, एक साइंटिस्ट के द्वारा बता दिया गया साहब कि मिसाइल से बचने का तरीका अगर कुछ है तो वो ये है, मिसाइल से अगर आप बचना चाहते हैं तो गोबर के नीचे छुप जाइए, अपने ऊपर गोबर का 4 इंच लेप लगा लीजिए, उसके बाद आप मिसाइल से बच जाएंगे गौ गोबर का। कहां से लाते हो इतनी घटिया हरकतें साहब, मतलब कौन सी ये घटिया हरकतें हैं? बिल्कुल पूरा खेल ही मीडिया का, वरना ये मीडिया दिखाए ना, मीडिया इसलिए दिखाती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो देश के दुर्भाग्य से दुर्भाग्यशाली देश के लोग हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री बन गया है, एक झूठा मवाली इंसान, देशद्रोही इंसान वो प्रधानमंत्री बन गया है, वो कहता है कि मीडिया का शुक्रिया अदा करता है। अमीश देवगन जैसे दलाल आकर के उसके ऑडियो को उसके वीडियो को टैग करके कहते हैं कि साहब देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमारा शुक्रिया अदा किया है, हम लोग बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। साहब वे गधे कहीं के, अबे दलाल कहीं के, BND कहीं के, तेरा शुक्रिया अदा कौन कर रहा है ये देख। दुनिया में एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा पाया जाता है हमारे देश में जो पूरी दुनिया के, मतलब जितनी लैंग्वेज भारत में है हर लैंग्वेज में गाली खाता, मतलब दुनिया का भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, और दुनिया का भारत एक ऐसा देश है जहां का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लैंग्वेज में गाली खाता है, वह शुक्रिया अदा कर रहा है तेरा है? समझ में आता है तू क्या है भाई? समझ में आता है? खैर तो साध्वी प्राची जी को मेरा ये एक एडवाइस है, फ्री का है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी तरीके का पेमेंट नहीं लूंगा। आप खुद का मूत्र पीना शुरू कर दें, मुसलमानों की चिंता छोड़ दें साहब, मुसलमानों की इतनी चिंता ना करें आप, समझ रहे हैं? मुसलमानों की इतनी चिंता ना करें, मुसलमान जैसे बचना होगा बचेंगे, नहीं बचना होगा नहीं बचेंगे, चिंता ना करें। मजे की बात तो यह है कि ये कोरोना वायरस पूछता नहीं है किस धर्म के हो किस जात के हो, ठीक करेगा बेटा तुमको भी, चिंता ना करो, किसी दिन तुमको भी ठीक कर देगा। हालांकि हम दूसरों के लिए बद्दुआएं नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें साहब, इन लोगों के लिए बद्दुआएं करना पड़ता है। देश को अगर सही तरीके से चलाना है तो ऐसे लोगों के लिए बद्दुआएं करना पड़ता है, ऐसे लोग देश में कम होने बहुत जरूरी हैं। अब हम तो भाई संविधान को अपने हाथ में ले नहीं सकते हैं, कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते हैं। अब कोरोना तो इस बात को नहीं देखेगा कि यहां के संविधान क्या है, यहां का कानून क्या है, कोरोना तो नहीं देखेगा, वो आ सकता है। अब वो जिस पर आए उसकी मंशा है अपनी, है ना? एक मोहतरमा बता रही है कि साहब ये कर डालो, अरे भाई आप तो आशीर्वाद देती श्राप देती हैं, हैं? आप तो श्राप देती हैं बड़े बड़े अधिकारियों को, आप ही कर दीजिए एक श्राप दे दीजिए कोरोना वायरस को, वो खत्म हो जाए, वो भस्म हो जाए, हैं? कहीं कुछ गुंडे मवाली निकलते हैं, कोरोना गो, कितने जाहिल हो भाई, कितने जाहिल हो तुम लोग, कितने गमार हो तुम लोग, समझ नहीं आता किस दिशा में जा रहे हो, समझ ही नहीं आता किस दिशा में जा रहे हो, क्या जाहिलियत है। साइंस नाम की सारी चीज खत्म कर दिया तुम लोगों ने, तुम लोग खुद की साइंस बनाने पे आमादा हो गए हो। मुझे जो मैसेज करता है कि साहब ये मैसेज 10 लोगों को भेजिए कोरोना वायरस से बचने का उपाय है, अरे क्या जाहिलियत है यार, क्या जाहिलियत है। साइंस है, साइंस पे ध्यान दो, साइंस बचा सकता है, उस पर ध्यान दो साहब, ये गोबर और गौमूत्र पर ध्यान मत दो। जाहिलों कहां से लेके आते हो यार तुम लोग, क्या लेके आते हो, कमाल के नमूने हैं। अच्छा इनकी एक वजह यह भी है कि सरकार दोगली है, सरकार घटिया है, सरकार जाहिल है, सरकार आतंकवादी है, सरकार गुंडी है, सरकार देश की सबसे घटिया क्वालिटी की एक ऐसी टीम है जो देश को नीचे डुबो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है। सरकारी अस्पतालों में क्या सैनिटाइजर या मास्क ग्लव्स किसी तरीके का कोई इंतजाम किया गया है?
क्या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए किसी तरीके की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? मैं जानना चाहता हूं लोगों से, क्या जो बाजार हैं, जो चीजें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरों में तो सब जानते हैं, शहरों में सब जानते हैं, और वो इतना मौत से डरते हैं कि वो खुद ब खुद खुद ही से जो है वो पढ़ करके कहीं से आएंगे और गूगल पर रिसर्च कर लेंगे, सर्च कर लेंगे और बड़ी सब चीजें दुनिया के पता कर लेंगे, उसके बाद उनको अप्लाई कर लेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक क्या किया है, कितने कैंप लगाए हैं सरकार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए, लोगों को एडवाइस देने के लिए, कितने कैंप अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने लगाई है कि साहब सरकार ने ये कैंप लगाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लोग और कोरोना वायरस में जागरूक करने के लिए सरकार ने अब तक कितना पैसा खर्च किया है, सरकार के पास क्या तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? कुछ भी है अगर सिस्टम तो कोई मुझे बताए, कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है साहब। हम लोग वो हैं कि जैसे ही कोई आपदा आई हम चले आते हैं गौमूत्र के ऊपर, गौ गोबर के ऊपर, नए नए तरीकों के ऊपर, बस हमारे पास कोई एडवाइजरी नहीं होती है, हमारे पास कोई साइंस नहीं होती है, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता है इससे बचने के तरीके ढूंढे जाएं, कोई लॉजिक नहीं हमारे पास, हम सिर्फ जाहिलियत पर आमादा हैं बस। अरे कम से कम दूसरे